जय हिंद बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 56 वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम देख, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिया बॉट चॉकलेट्स फॉर ₹28.50। सी गेव्स अ 50 रुपीज। सिया ने क्या कहते हैं, 28 रुपीज़ 50 पैसे की चॉकलेट खरीदी और उसने 50 रुपये दिए। हाउ मैनी, 50 रुपये का नोट दिया। हाउ मच मनी डज सी गेट बैक, यानी उसको कितने रुपए वापस मिले। देखिए जैसे यहाँ पे कर रखा है तो 50 रुपीज़ सिया ने दिए, ठीक है, कितने रुपए की चॉकलेट खरीदी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ जीरो, इसे कैरी लिया तो यहाँ पे 10 था तो 9 बच गया, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 5 था तो 4 बच गया, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो कितने रुपए बचे उसके पास, 21 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट है हमारा, अंकित बॉट हिज स्कूल बैग फॉर ₹175.50 एंड वाटर बॉटल फॉर 70 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड ही पे, यानी जो अंकित है उसने 175 रुपीज़ 50 पैसे की क्या कहते हैं बैग खरीदा और क्या कहते हैं 70 रुपीज़ की वाटर बॉटल खरीदी, तो कितने पैसे उसने दिए दुकानदार को, यानी कितने खर्च किए। तो हम देखेंगे कि दोनों को हम प्लस करेंगे, कितने खर्च प्लस करेंगे, ठीक है, तो 0 + 0 = 0, 5 + 0 = 5, 5 + 0 = 5, 7 + 7 = 14, 4 कैरी 1, 1 और 1 2, तो अंकित ने कितने रुपये खर्च किए, ₹245.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजदीप अर्न 850 रुपीज़ एवरी मंथ, यानी राजदीप 850 रुपीज़ एवरी मंथ कमाता है। ही स्पेंड 440 रुपीज़ फूड, यानी खाने पे वो 440 रुपीज़ खर्च करता है। व्हाट अमाउंट लेफ्ट विद हिम, यानी उसके पास कितने पैसे बचे, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इतने कमाता है राजदीप और इतने खर्च करता है फूड पे, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 4 गया 4, तो कितने रुपये शेष बचे, 410 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा, आरव स्पेंड 428 ऑन चॉकलेट ऑन क्लॉथ्स एंड 500 ऑन शूज, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, यानी कि उसने 428 रुपये की क्लॉथ खरीदी, उसके 500 रुपीज़ के शूज़ खरीदे, तो उसने कितने रुपए खर्च किए, कुल कितने खर्च किए टोटल, तो हम इसको प्लस करेंगे, तो 428 की कहते क्लॉथ खरीदे, 500 के शूज, तो 8 + 0 = 8, 2 + 0 = 2, 4 + 5 = 9, 4 + 5 = 9, तो कितने रुपए खर्च किए आरव ने, 928 रुपीज़। नुपुर बॉट एप्पल्स फॉर 240, नुपुर ने 240 के एप्पल्स खरीदे, उसका सी गेव ₹250 टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को उसने 250 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक, यानी उसको कितने रुपए वापस मिले, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नुपुर ने कितने रुपए दिए, 250 रुपीज़, और कितने के एप्पल खरीदे, 240 के, तो जीरो में से जीरो गए जीरो, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2 गया 0, तो कितने रुपए वापस किए शॉपकीपर ने, 10 रुपीज़, कितने रुपीज़, 10 रुपीज़। तो अब पेज नंबर 56 अपनी बुक में फिल करेंगे।